दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मर्दों का ही काम है और महिलाओं के लिए स्लिम ट्रिम और हेल्दी बॉडी ही ठीक रहती है। लेकिन दोस्तों इस दोहरी सोच को झुठलाते हुए कई ऐसी महिलाएं हमारे सामने आई हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में अच्छे अच्छे मेल बॉडी बिल्डर्स को पछाड़ दिया है। और ऐसे में जबकि दुनिया भर की महिलाएं बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा ले रही है, हमारे भारत देश की महिलाएं कैसे पीछे रह सकती हैं भला। हमारे देश की फीमेल बॉडी बिल्डर्स भी कड़ी मेहनत करके इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री को काफी टक्कर दे रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ अद्भुत भारतीय फीमेल बॉडी बिल्डर्स से रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी बॉडी और उनके शरीर के कट को देखकर आपकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यूरोपा भौमिक। बंगाल की रहने वाली यूरोपा ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक मजबूत बॉडी बना ली थी। 16 साल की उम्र में ही उन्होंने इंडिया की यंगेस्ट फीमेल बॉडी बिल्डर का खिताब अपने नाम किया। लेकिन यूरोपा ने बचपन से ही एक बॉडी बिल्डर बनने का सपना कभी नहीं देखा था। पहली बार यूरोपा ने अपना वेट कम करने के लिए जिम को ज्वाइन किया और उनका ये सपना पूरा भी हुआ। लेकिन बाद में वो इतनी पतली हो गई कि सूखे हुए कांटे के जैसी दिखने लगी। फिर क्या था, यूरोपा ने शुरू की अपनी ट्रेनिंग और डेडिकेशन से वो इतनी फिट हो गई कि 2017 में मिस एशिया रनर अप, नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन 2015 में तीसरा स्थान हासिल किया। इतना ही नहीं, और भी कई सारे कॉम्पिटिशन में उन्होंने अपनी ब्यूटिफुल मस्कुलर बॉडी से अच्छे अच्छों के पसीने छुड़वा दिए। दोस्तों अब इस तरह से बॉडी मेंटेन करनी है तो पूरे दिन का खाना भी वैसे ही होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं यूरोपा अपनी डाइट में क्या लेती हैं। सबसे पहले यूरोपा सुबह उठकर ओटमील बनाना के साथ खाती हैं और फिर लंच में इंक्लूडेड होता है राइस, चिकन, चपाती और दाल। यूरोपा रात के खाने में कार्ब्स इनटेक को कम रखती हैं। हम सबका कोई ना कोई आइडल होता है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। यूरोपा की लाइफ में उनकी आइडल ओलंपिक चैंपियन डानालिन बेली हैं। चलिए ये तो इनके रोल मॉडल हो सकती हैं, लेकिन यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि खुद भी हजारों यंग गर्ल्स की इंस्पिरेशन होंगे। जब यूरोपा ने बॉडी बिल्डिंग शुरू करने का फैसला किया तो सोसाइटी ने बातें तो बनाई और शुरुआत में तो उनके घर वाले भी उनके इस डिसीजन के खिलाफ थे, पर यूरोपा अपने डिसीजन पे अड़ी रही। और कहते हैं ना कि मन में हौसला और कुछ करने का जज्बा हो तो कामयाबी एक दिन तुम्हारे कदम जरूर चूमती है। यूरोपा के इस मेहनत को देखकर अब उनकी मॉम भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। वो हर कॉम्पिटिशन में उनके साथ जाते हैं। बॉडी बिल्डिंग जैसे स्पोर्ट के लिए अपनी लाइफ डेडिकेट करना और उसमें इंडिया का नाम रोशन करने का जज्बा रखना सच में बहुत काबिले तारीफ है। वो दिन दूर नहीं जब यूरोपा का नाम वर्ल्ड की बेस्ट बॉडी बिल्डर्स में शामिल होगा। श्वेता राठौर। जयपुर राजस्थान की रहने वाली श्वेता राठौर एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट हैं जिनके फिगर के लाखों दीवाने हैं। ये बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ पेशे से एक इंजीनियर भी हैं, लेकिन जिम में इनकी ट्रेनिंग देखकर बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर्स भी इनके सामने पानी भरते हैं। पेट से भारी वेट को ये मुस्कुराते हुए उठा लेती हैं। श्वेता का पैशन है बॉडी बिल्डिंग। सिर्फ 12 साल की उम्र से श्वेता अपनी फिटनेस को लेकर सजग रही। इनकी बेडॉल बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से स्कूल में बच्चे इनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। इनके फादर इनकी जिम ट्रेनिंग के सपोर्ट में नहीं थे, इसलिए घर से ट्रेनिंग के लिए झूठ बोल के जाया करती थी कि वो ट्यूशन जा रही हैं। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। अब जरा सोचिए, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और फिर मॉडलिंग का सपना लेकर जब वो बॉडी बिल्डिंग के उस मैदान में उतरी जहां महिलाओं को अधिक सपोर्ट वैसे ही नहीं मिलता, वो अपने आप में कितना बड़ा और स्ट्रांग फैसला रहा होगा। श्वेता का कहना है कि वो अपने देश की महिलाओं को अपने जैसा फिट बनाना चाहती हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ ही मार्शल आर्ट भी करती हैं और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे चिकन, फिश और एग्स लेती हैं। श्वेता भारत की पहली फीमेल बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने मिस वर्ल्ड 2014 फिटनेस फिजिक, मिस एशिया 2015 फिटनेस फिजिक, मिस इंडिया स्पोर्ट फिजिक चैंपियनशिप 2015 और मिस इंडिया 2016-2017 बनकर अपने सपने को पूरा किया है। दीपिका चौधरी। अगर आप भी सोचते हैं कि मसल्स और एब्स दिखाना सिर्फ मर्दों का काम है तो इस फीमेल बॉडी बिल्डर दीपिका चौधरी को देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। ये लड़कों को भी मसल्स और एब्स के मामले में पीछे छोड़ देती हैं। दीपिका पहली भारतीय महिला हैं जिसने अमेरिका में इंटरनेशनल फिटनेस कॉम्पिटिशन में भाग लिया और इसमें अवार्ड भी अपने नाम किया। पेशे से ये मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट हैं और जब इन्हें फीमेल बॉडी बिल्डर एथलीट के बारे में पता चला तो वहीं से इनका इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ने लगा और यहीं से उनका बॉडी बिल्डिंग का सफर शुरू हुआ। हालांकि इनके घर वाले इनके इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन इनके पति ने हर कदम पे इनका फुल सपोर्ट किया, जिसके चलते इन्होंने हमारे भारत देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया और इनके गठीले शरीर को देखकर कोई भी इनका दीवाना हो जाता है। यस्मिन चौहान। यस्मिन एक फिटनेस मॉडल, जिम ट्रेनर और बाइकर हैं। उन्होंने दिखाया है कि लड़कियां भी बॉडी बिल्डिंग में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
हालांकि वो एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। यास्मीन महज 2 साल की थी जब उनके माता पिता अलग हो गए। इनका बचपन काफी दुख भरा रहा। जब ये 7वीं क्लास में थी तो इन्हें थायराइड की समस्या हुई थी और इसके चलते वो काफी समय तक बीमार और कमजोर रहीं। इनको थायराइड से छुटकारा पाने के लिए स्टेरॉइड्स का सेवन करना पड़ा और स्टेरॉइड्स लेने के साइड इफेक्ट के परिणाम स्वरूप इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अपने वजन को लेकर हर जगह बार बार ताने सुनकर इन्होंने जिम ज्वाइन करने का सोचा और अपनी दादी से 300 रुपए लेकर इन्होंने जिम ज्वाइन किया, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियों के कारण इनके जिम छोड़ने की नौबत आ गई। तभी जिम की ओनर ने जिम फीस के तौर पे उन्हें लोगों को एक्सरसाइज सिखाने के लिए कहा। फिर उन्होंने जिम ट्रेनिंग के चलते एक ऐसी शानदार बॉडी बनाई जिसे बनाने में मर्दों के भी पसीने छूट जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में सिर्फ वर्कआउट ही नहीं बल्कि डाइट का भी एक अहम रोल होता है। तो आपको बताएं, इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए यास्मीन के दिन की शुरुआत 4 से 5 अंडों और वॉलनट के साथ होती है। फिर दिन में वो चिकन और हाई प्रोटीन वाली चीजें खाने को प्राथमिकता देती हैं और डिनर में फिश या सैमन खाते हैं। ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग में ही नहीं बल्कि बेली डांसिंग में भी माहिर हैं। आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए, भारत के गुरुग्राम शहर में यास्मीन एक जिम चलाती हैं और अपने इस पहल से इन्होंने इस नजरिए को बदल दिया कि जिम में सिर्फ आदमियों को ही ट्रेनिंग दे सकते हैं। यास्मीन ने कई खिताब अपने नाम किए हैं। साल 2016 में ये इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फेडरेशन मिस इंडिया और मिस उत्तर प्रदेश रही और इन्होंने IFBB मिस एशिया में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया है। भाई हम तो यही कह सकते हैं कि यास्मीन मेंटल और फिजिकल फिटनेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। किरण दिम्बाला, ये कहानी एक होममेकर से फिटनेस गुरु बनने की। किरण ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से इंसान सफलता को हासिल कर सकता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फिगर वाली भारतीय बॉडी बिल्डर है जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं और इनकी बॉडी के भेजिए इनके बाइसेप्स देख के आप भी डर जाएंगे। किरण बॉडी बिल्डर और फिटनेस एक्सपर्ट के साथ साथ एक बेली डांसर भी हैं। दरअसल हर महिला की तरह ये भी अपने वेट को लेकर चिंतित थी। अब इन्होंने अपने घर के पास में एक जिम को ज्वाइन किया और मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपना अलग मुकाम बनाया। आज के समय में ये टॉलीवुड सेलिब्रिटी अनुष्का सेट्टी और तमन्ना भाटिया जैसी बड़ी हस्तियों की पर्सनल ट्रेनर हैं। ममता देवी यमनाम, हमारे देश की महिलाएं हर फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की कर रही हैं, लेकिन आज भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि शादी के बाद महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका के अलावा कुछ और नहीं कर सकते, खासकर बॉडी बिल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी सोच को करारा जवाब दिया है मशहूर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन ममता देवी ने। शादी और 3 बच्चों की मां बनने के बाद ममता देवी ने अपने बॉडी बिल्डर पति की मदद और सपोर्ट से बॉडी बिल्डिंग को अपना करियर चुना। ये पहली और काफी समय तक अकेली ऐसी महिला रही जिन्होंने किसी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मेडल जीता था। नवंबर 2011 में ममता देवी ने अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स में हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया। इसके अलावा भी ममता देवी ने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया है। सरिता देवी, दोस्तों सरिता देवी ने बॉडी बिल्डिंग में 2010 में कदम रखा और शादी और बच्चों के बावजूद इन्होंने अपनी बॉडी बिल्डिंग के जुनून को नहीं छोड़ा। सरिता माँ और बीवी होने के साथ साथ एक बहुत शानदार बॉडी बिल्डर भी हैं। ये सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ जिम में 3 बार एक्सरसाइज करते हैं। 2015 में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग के एक मुकाबले में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 2016 में होने वाले एशियन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करके अपने और अपने देश का नाम ऊंचा किया। दोस्तों इस महिला का बॉडी बिल्डिंग के प्रति जो जुनून है वो वाकई काबिलो तारीफ है। आपका सरिता देवी के बारे में क्या सोचना है कॉमेंट में बताइएगा। विबीता देवी, ये सिर्फ महज 23 साल की हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग में पहला इंटरनेशनल मेडल जीत लिया है। हम आपको बता दें कि रोबिता जी का इतना गठीला शरीर इनकी रोजाना 2 से 3 घंटे जिम में की गई कड़ी मेहनत का नतीजा है जो इन्हें इतना आकर्षक बनाता है। हम आपको बता दें कि जब रोबिता जी महज कुछ सालों की थी तब उन्होंने अपने घर के पास स्थित स्पोर्ट्स अकेडमी में अपने माता पिता से छिपके जाना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार उनके पिताजी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें खूब पीटा था और उसके कुछ दिनों बाद ही उनके घर के सामने से जुलूस निकला, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर डिंको सिंह का। जी हाँ दोस्तों, जिस भीड़ में डिंको आगे आगे चल रहे थे और भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी उसी समय रोबिता ने मन में बिठा लिया कि वो भी स्पोर्ट्स पर्सन ही बनेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन ही असली हीरो होते हैं। और तभी से उन्होंने ठान लिया कि पढ़ूंगी भी, खेलूंगी भी और ये भी करूंगी। और उसके बाद रोबिता जी ने कड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल कर लिया। सोनाली स्वामी, ये एक IFBB बॉडी बिल्डर और एक सुंदर व आकर्षक शरीर की मालकिन भी हैं। इनका शरीर किसी खूबसूरत हीरोइन से कम नहीं है। सोनाली बैंगलोर कर्नाटका की रहने वाली हैं। इनकी उम्र 42 साल है लेकिन फिर भी इन्होंने कड़े मेहनत के दम पे अपने आप को और अपने फिगर को अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इनकी लंबाई 5 फुट 1 इंच है। दोस्तों सोनाली ने बहुत सी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है।
ये अपने स्टेट के साथ साथ भारत के लिए भी परफॉर्म कर चुके हैं। सोनाली के बहुत ही शानदार सिक्स पैक एब्स भी हैं, जिनकी मदद से इन्हें लेडी सलमान के रूप से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि ये एक अच्छी डांसर भी हैं। अश्विनी वास्कर। अश्विनी एक बहुत ही शानदार फीमेल बॉडी बिल्डर के रूप में जानी जाती हैं। इनका शरीर इतना मजबूत है कि किसी भी मर्द को टक्कर दे सकता है, और इनका मजबूत शरीर ही इनकी पहचान है। अश्विनी वास्कर की उम्र 25 साल है, और एक रिपोर्ट के अनुसार अश्विनी का यह सफर एक जिम से शुरू हुआ, जो कि उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए ज्वाइन किया था, और आगे चल के ये एक सीनियर रिसर्च सेंटर में काम करने लगी। लेकिन उनका रुझान बॉडी बिल्डिंग की तरफ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी भी छोड़ दी और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पे एक सुंदर व ताकतवर शरीर की मालकिन बन गई, जिसका अंदाजा आपको इनको देखकर आराम से हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी भारतीय महिला बॉडी बिल्डर्स ने अपनी फील्ड में कमाल करके दिखाया है। अब वक्त है आप लोगों से अलविदा लेने का, पर जाने से पहले आप लोग हमें कमेंट करके ये तो बताइए कि आपको इनमें से कौन सी महिला भारतीय बॉडी बिल्डर सबसे अच्छी लगी। साथ ही वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है।